भोलेनाथ दे शिवलिंग दे उत्ते चढ़ के बेद भी की आ गर्भग्रह के अंदर जाके वो शिवलिंग के उत्ते चढ़िया जिस दियां वीडियो सारे आप देख रहे हैं। मैंटली अपसैट बंदे ने भोलेनाथ दे शिवलिंग दे उत्ते चढ़ के बेद भी की आ गर्भग्रह के अंदर जाके वो शिवलिंग के उत्ते चढ़िया जिस दियां वीडियो सारे आप देख रहे हैं सोशल मीडिया से भी वायरल हो गई हूँ तो जो कि एक बहुत मंदभागी घटना। ये सरासर मैं यो कहांगा कि वह बंदा तो मैंटली अपसैट सीगा बट ट्रस्ट कितने सी जिम्मेवार आप ट्रस्ट को जिम्मेवार मना सीधे तौर पर ट्रस्ट जिम्मेवार है जी क्योंकि ना गर्भग्रह के अंदर पुजारी मौजूद आ अगर वह बंदा मैंटली अपसैट सीगा वह गर्भग्रह के अंदर चला किदा गया गर्भग्रह के अंदर जाके उन्हें यह भी नहीं कि एक सैकेंड या दो सैकेंड दस सैकेंड उन्हें 15-20 मिनट तांडव किया उन्होंने देखने वाला कोई भी नहीं उस बंदे नूं उत्थे देखने वाला कोई मौजूद ही नहीं कि जिहड़ा उन्हूं हटा सके 15-20 मिनट बंदा वह उत्थे घूमदा रहा शिवलिंग के उपर चढ़ के उस तो बाद ना उत्थे कोई पुजारी ना उत्थे कोई सिक्योरिटी गार्ड ना उत्थे ट्रस्ट का कोई ट्रस्टी कि इन्हां दी कोई जिम्मेवारी नहीं ये अपने तो मिट्टी झाड़न वास्ते समझ आता पाया कि यह पुलिस तो उस मैंटली अपसैट बंदे ते जिहड़ा कि बंदे का दिमागी संतुलन ठीक नहीं है उहदे ते परचा दे रहा जबकि मैं प्रशासन तो मांग करता कि यह परचा तो सीधा सीधा ट्रस्ट से बनता बेअदबी तो ट्रस्ट ने की जिम्मेदारी फिक्स ट्रस्ट की होंगी ये उत्ते क्योंकि ट्रस्ट की ही जिम्मेवारी ट्रस्ट की जिम्मेवारी सिर्फ पैसे उगराना नहीं है उत्थों मंदिर को मैनेज करना मंदिर की मर्यादा कायम रखना कि यह ट्रस्ट है कोई बंदा जिम्मेदारी लैन लई तैयार है ये जिहड़ी गलत गल है ये भोले भोलेनाथ के भगतों दी भावनावां आहत हुई ने यह सीधे तौर पर जिहड़ी बेअदबी की जिहड़ी घटना वा ये सारी सारी जिम्मेदारी ट्रस्ट की बनती है। अज सवेर की घटना 12 बजे दे सवेर की जिहड़ी है घटना उस वेले मंदिर के अंदर प्रमाइसिस दे विच भी दो तीन जिहड़े आदमी बैठे हुए थे ये जिहड़ा व्यक्ति शिव कुमार सन ऑफ सतपाल है जिन्हें सारी हरकत की आ वो मंदिर के बाहर ही जी रेहड़ी लगा 20 साल उम्र आ और 18 साल तो जो लगातार उनका मैंटली इलाज चल रहा और काफ़ी पेसेंट है जोड़ा वो मैंटल है तो उनका फादर भी जोड़ा अज कुछ दिन से उन्हें मैडिसन जी मुक्की हुई थी अज अमृतसर मैडिसन लै गया वो इतने आले दुआले पता करने लगा कि उन्हें एक दो बारी किसी ने हिट करने की हिट नाल कोशिश की मैंटली प्रेजेंट है जी काफ़ी ज़्यादा मैंटल है फिलहाल असं 295 ए के तहत जो केस रजिस्टर कर रहे हैं तो ही उनका गुरु नानक देव हॉस्पिटल तो उनका मैडिकल चैकअप करा के फरदर उनकी जी कार्रवाई है अमल च लिया पर सर शिव भगतों में काफ़ी रोस पाया जा रहा है मतलब लोगों को क्यों समझाया जाएगा कि बंदा मैंटली अपसैट है उसके सारा मैडिसन से उनका जो इलाज चल रहा वो सारा उनके फादर ने जो पेश किया साढ़े को जो उनका इलाज चल रहा हंसते जाओगे दुखी भैन भरावां दे सच्चे हमदर्द गुरु राजा साई जी 99-150-150 पता लुधियाना गेट योर एक्स लव बैक इन योर लाइफ 100% गारंटी नाल पाओ परेशानी दा हल परेशानी जिवें प्यार च धोखा खोया होया प्यार वापस पाउणा लव मैरिज च रुकावट प्रेमी प्रेमिका च झगड़ा तलाक के 100 दिन दुश्मन तो छुटकारा विदेश च पक्का होना इमिग्रेशन मसले जा तो टोड़े दा जट तो खात्मा मोनी वशीकरण करवाओ मन चाहा प्यार अपने वास च करो लाटरी नंबर पाओ लोटो मैक्स जां मेगा मिलियन हर जगह तो निराश ते धोखा खा चुके दुखी भैन भरा एक बार जरूर संपर्क करो मोबाइल नंबर 99-150-150